अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बेल बॉटम ट्राउज़र बनाना सिखा रही हूँ। ढाई गज का बड़े गज का कपड़ा लेंगे। और इसकी ट्राउज़र की लंबाई 43 इंच यानी 43 इंच लेंगे। चौड़ाई 18 इंच लेंगे। आसन के लिए लंबाई में 18 इंच का निशान लगाएंगे। इसी निशान के नीचे इसी निशान पर चौड़ाई में 3 इंच का निशान लगाएंगे और लंबाई में ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे। अब त्रिकोण हिस्से में 1.5 इंच यानी 1.5 इंच का निशान लगाकर गोलाई करेंगे और ऊपर तक के निशान से मिला देंगे। ट्राउज़र की लंबाई 43 इंच है, इसलिए कमर से लेकर घुटने तक की लंबाई नापेंगे। मेरी 30 इंच थी, इसलिए मैंने 30 इंच का निशान लगाया है। आपकी जितने भी आए, आपने उतना ही निशान लगाना है। ये निशान लगाने के बाद इसी निशान पर हम चौड़ाई में 12 इंच का निशान लगाएंगे। अब इस निशान को आसन के निशान से मिला देंगे। पाइचे की चौड़ाई के लिए 14 इंच का निशान लगाएंगे। अब पाइचे के निशान को 12 इंच वाले निशान से मिला देंगे। बेल बॉटम ट्राउज़र की ड्राफ्टिंग हो गई है। अब इन्हीं निशानात पर कटिंग भी करेंगे। कटिंग करने के बाद दोनों हिस्सों को अलग कर लेंगे, यानी अगला और पिछला हिस्सा। अब दोनों सिरों के आसन को बराबर करके सिलाई की मदद से जोड़ लेंगे। और सिलाई हमें 1/2 इंच के फासले से करनी है। ये हमारे आसन की सिलाई हो गई है। यहाँ मैंने पाइचों में कटाव बनाए हैं। इसकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से देख लीजिएगा कटाव बनाने का तरीका। अब पाइचों को बराबर करके सिलाई की मदद से 1/2 इंच के फासले यानी 0.5 इंच के फासले से जोड़ लेंगे। यहाँ मैंने ट्राउज़र में लास्टिक लगाई है, तो लास्टिक लगाने का तरीका भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वहाँ पर आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको लास्टिक लगाने की वीडियो मिल जाएगी। और आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। शुक्रिया।